सेट्स ऑफ ग्रे का चैप्टर 9। कमरे में घिर आई रोशनी ने अचानक ही मुझे गहरी नींद से जगा दिया। मैंने शरीर को फैलाकर अंगड़ाइयाँ ली और आंखें खोली। ये तो मई माह की खूबसूरत सुबह थी। सिएटल मेरे कदमों में था। वाह, क्या नज़ारा है। मेरे साथी क्रिस्टियन ग्रे गहरी नींद में सोया था। वाह, क्या नज़ारा है। मुझे हैरानी है कि वह अभी भी मेरे बिस्तर में है। उसका चेहरा मेरी ओर है और मुझे उसके नाक-नक से दिखने का भरपूर मौका मिल रहा है। उसका प्यारा सा चेहरा जवान दिखता है, नींद में शांत, पूरी तरह से शांत। उसकी खूबसूरत से गढ़े होठ हल्के से खुले हैं और चमकदार बाल बड़ी ही बेतरतीबी से फैले हैं। कोई इतना सुंदर, इतना प्यारा और फिर भी इतना जायज कैसे हो दिख सकता है। मुझे सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे की याद आ गई। शायद ये जायज नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाया। सोचने को कितना कुछ है। जी तो कर रहा कि उसे छू लूँ, पर एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा है। ग्रे को जगाने का मन नहीं हुआ। मुझे इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, वह क्या कर रहा है और उसके पास खासतौर से मेरे लिए क्या योजनाएं हैं। मैं तो उसे सारा दिन यूं ही देख सकती थी, पर बाथरूम जाना भी ज़रूरी था। बिस्तर से नीचे कदम रखे तो उसकी सफ़ेद कमीज ज़मीन पर पड़ी दिखी। मैंने उसे ही कंधों पर डाल लिया। एक दरवाज़ा को बाथरूम समझकर आगे बढ़ी, पर वहाँ तो एक बड़ी से अलमारी निकली, मेरे सोने के कमरे से भी बड़ी। एक से एक महंगे जूते, शर्ट, सूट और टाइयाँ कतारों से सजे थे। किसी एक इंसान को इतने कपड़ों की ज़रूरत कैसे हो सकती थी। मैंने गर्दन हिलाई। दरअसल केट की अलमारी से इसकी होड़ हो सकती है। केट, अरे नहीं, मुझे तो पूरे शाम में उसका ध्यान तक नहीं आया। मुझे उसे मैसेज करना था। मैं तो मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैंने पल भर के लिए सोचा कि उसकी इलियट से कैसे निभ रही होगी। वापस लौटी तो ग्रे को सोते ही पाया। मैंने दूसरा दरवाज़ा खोला और बाथरूम में मिल गया। यह भी मेरे सोने के कमरे से बड़ा था। किसी एक इंसान को इतनी जगह की ज़रूरत क्यों होती है। दो सिंक, चूँकि वह किसी को अपने साथ सुलाना पसंद नहीं करता, इसलिए उन दोनों में एक सिंक कभी प्रयोग में ही नहीं आ सकता। मैंने खुद को वहाँ लगे बड़े शीशे में निहारा। क्या मैं अलग दिख रही हूँ? मैं अलग महसूस कर रही हूँ। शरीर में हल्की सूजन और मांसपेशियों में जकड़न है। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कसरत नहीं की। तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई कसरत नहीं की? मेरे भीतर बैठी लड़की भी जाग गई। वह मुझे दबे होठों से देखते हुए पाँव पटक रही है। तो तुम अभी एक ऐसे इंसान के साथ सोकर आई हो जिसे तुमने अपना सब कुछ सौंप दिया। एक ऐसा इंसान जो तुम्हें प्यार तक नहीं करता। दरअसल वह तुम्हारे बारे में बड़ी ही अजीब सी सोच रखता है। वह तुम्हें अपने सेक्स गुलाम बनाकर रखना चाहता है। क्या तू पागल हो गई है? वह मुझ पर बरसी। मैंने उसे देखकर आंख दबाई। मैं इन सारी बातों पर विचार करने जा रही हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस हद से ज़्यादा खूबसूरत व अमीर इंसान को चाहने लगी हूँ जिसका पीड़ा से भरा लाल कमरा मेरी प्रतीक्षा में है। मैंने कंधे झटके। मैं पूरी तरह से बेतरतीब और उलझन में हूँ। मैं बाल हमेशा की तरह बिखरे पड़े हैं और ऐसा उलझे बाल मुझे पर बिल्कुल नहीं फपते। मैंने उन्हें उंगलियों से संवारना चाहा, जब नहीं संभाले तो छोड़ दिए। शायद पर्स में बाल बांधने के लिए कुछ पड़ा हो। भूख से जान निकल रही है। मैं सोने के कमरे से बाहर निकली। ग्रे अब भी गहरी नींद में है, इसलिए मैं रसोई की ओर चल दी। अरे नहीं कैट, मैंने अपना पर्स ग्रे के स्टडी में छोड़ दिया। मैं उसे वहाँ से लाई और अपना फ़ोन लगाया। 3 मैसेज। ऐना तुम ठीक हो? ऐना तुम कहाँ हो? ऐना भाड़ में जातू। मैंने कैट को फ़ोन लगाया। जब उसने नहीं लिया तो मैंने संदेश छोड़ दिया कि मैं जिंदा हूँ और उसे मेरी किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्रिस्टियन ग्रे के बारे में अपनी भावनाओं पर विचार करके उसका विश्लेषण करना ही होगा। ये तो लगभग असंभव सा काम है। मैंने हार मानते हुए सिर हिलाया। मुझे सोचने के लिए यहाँ से परे अकेले में कुछ समय चाहिए होगा। मुझे अपने बैग में 2 सुंदर से रबड़ बैंड मिले गए। मैंने 2 चोटियाँ बना ली। हाँ, जितना छोटी दिखूंगी इस अहमक से उतना ही बची रहूंगी। मैंने बैग के आईपॉड निकाला और कानों में हेडफोन लगा लिए। खाना बनाते समय संगीत सुनने का मजा ही कुछ और है। मैं ग्रे के शर्ट की जेब में उसे डाल दिया
और तेज बजती धुन के साथ पैर थिरकने लगे। हाय, भूख से जान निकल रही है, मैं तो इसकी रसोई देखकर दंग हूँ। इस आधुनिक किस्म की रसोई में किसी भी दराज में हैंडल ही नहीं है। मुझे ये समझने में कुछ सेकेंड लगे कि उन्हें अंदर की ओर दबाने से वे खुलते हैं। शायद मुझे ग्रे के लिए भी नाश्ता बनाना चाहिए। वह उस दिन तो एक आमलेट खा रहा था। कल ही तो हिटमैन में, अरे एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया। मैंने फ्रिज में नज़र मारी, वहाँ अंडे दिखे तो मैंने तय किया कि पैनकेक और बेकन बना लूँगी। मैंने कुछ घोल तैयार किया और रसोई में नाचते हुए वहाँ वहाँ मडराने लगी। व्यस्त रहने का भी अपना ही मज़ा है, इस तरह आपको गहराई से सोचने का मौका मिल जाता है। कानों में बज रहे संगीत ने भी सोचने में मदद की। मैं यहाँ क्रिस्टन ग्रे के साथ एक रात बिताने आई थी और सफल भी रही, जबकि वह किसी को अपने साथ बिस्तर में रात बिताने का इजाज़त नहीं देता। मैं मुस्कुराई, मिशन पूरा हुआ। फिर मेरे चेहरे पर खिली हुई बड़ी सी मुस्कान खेल गई। पिछली रात की यादें दिमाग को उलझाने लगी, उसके शब्द, उसका शरीर, उसके प्यार करने की अदा। मैं आंखें बंद कर झूमने लगी और पेट के भीतर की मांसपेशियों में अजीब सा संकुचन होने लगा। एक मीठा सा एहसास, मेरे भीतर बैठी लड़की ने आंखें तरेरी। उसने तेरे साथ प्यार नहीं किया था, वह मुझ पर चिल्लाई। मैंने उसकी बात को अनसुना तो कर दिया, पर मन ही मन मैं जानती थी कि उसकी बात में दम था। मैंने हाथ के काम पर ध्यान लगाने के लिए गर्दन को झटका। वाह, क्या साजो सामान है, लगता है कि मेरे दिल को भा गया। मुझे पैनकेक को गर्म करने के लिए कहीं रखना था और मैं बेकन बनाने लगी। एमी का गाना मेरे कानों में गूंज रहा है, जो किसी मिसफिट की बात करता है। ये मुझे पसंद है, क्योंकि मैं भी तो मिसफिट हूँ, यानी कहीं के लिए भी फिट नहीं। मिसफिट राजा की एक और से एक ऐसा भद्दा प्रस्ताव आया। वह ऐसा क्यों है, कुदरतन या फिर पालन पोषण में कमी? मैं जानती हूँ कि ये बात कितनी अजीब से अजीब है। मैंने बैकन को ग्रिल में रखा और इस दौरान कुछ अंडे फेंट लिए। वहाँ से मुड़ी तो क्रिस्टियन को नाश्ते के मेज के पास पड़े स्टूल पर बैठा पाया। उसने अपने गठे हाथों से चेहरा थामा हुआ था। अब भी वही टी शर्ट पहन रखी है जिसे पहनकर सोया था। बेशक बिखरे बाल और डिजाइनर दाढ़ी दोनों ही उस पर फपते हैं। वह हैरानी और सौखी के साथ मुझे ही देख रहा है। मैं तो वहीं जम गई, झट से कानों में हेडफोन निकाल लिया। उसे देखते ही घुटने कमज़ोर पड़ गए। गुड मॉर्निंग मिसेस स्टिल, आज तो आप पूरी उमंग में दिख रही हो, उसने बड़ी ही रूखे लहजे में कहा। मैंने पूरी नींद ले ली, मैंने अपनी सफाई दी, उसके होठों ने अपनी मुस्कान दबानी चाही। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बिस्तर में आ गया था। क्या तुम्हें भूख लगी है? बहुत, उसने गहरी नज़रों से देखा। मुझे नहीं लगता कि वह खाने के बात कर रहा है, पैनकेक बैकन और अंडे सुनकर अच्छा ही लगा। मुझे नहीं पता कि मेज के मैट कहाँ पड़े हैं, मैंने खुद को सहज दिखाने के लिए कोशिश में कंधे झटके। मैं कर लूँगा, तुम पकाओ। क्या तुम चाहोगी कि मैं कोई धुन लगा दूँ ताकि तुम नाच जारी रख सको? मैंने अपनी उंगलियों को घूरा। हाय, उसने मुझे नाचते भी देख लिया। प्लीज़, मेरी वजह से मत रुको, बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने अपने होठ भींच लिए। मज़ा आ रहा था, मेरे भीतर बैठी लड़की दुगने वेग में खिलखिलाई। मैं मुड़कर अंडे फेंटने लगी और शायद ज़रूरत से ज़्यादा फेंट दिया। एक ही पल वह मेरे साथ खड़ा मेरी चोटियाँ खींच रहा था। मुझे पसंद आई, वह हौले से बोला, यह तुम्हारा बचाव नहीं करने वाली। उफ़, लड़कियों की राशियाँ, तुम अंडे कैसे लेने जाओगे? पूरे तरह से फेंटे व मसले हुए, उसने चुटकी ली। मैं अपने काम पर मुड़ी और हंसी दबाने की कोशिश की। इससे तो नाराज रहना भी मुश्किल है, खासतौर पर जब वह अपनी आनंदी भाव में हो। उसने एक दराज खोला और नाश्ते की मेज के लिए दो मेट निकाले। मैंने अंडों का मिश्रण पैन में डाला, बेकन को बाहर निकाल कर पलटा और फिर से ग्रिल में रख दिया। जब मुड़ी तो मेज पर संतरे का जूस रखा था और वह कॉफ़ी बना रहा था। क्या तुम चाय लेना चाहोगी? हाँ, अगर तुम्हारे पास है तो। मैंने दो प्लेटें ली और रेज के गर्म करने वाले हिस्से में रख दिया। क्रिस्टियन अलमारी के पास गया और वहाँ से चाय के कुछ पाउच ले आया। मैंने गर्म प्लेटों में नाश्ता लगा दिया।
फ्रिज में से थोड़ा मेपल सिरप भी मिल गया। क्रिस्टियन की ओर देखा तो वह बैठने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मिसेस टेल, उसने एक स्टूल की ओर संकेत किया। मिस्टर ग्रे, मैंने भी गर्दन हिलाई और हल्की सी कराहट के साथ स्टूल पर बैठ गई। तो कैसी है आपकी तबीयत, उसने अजीब से संकेत के बाद से कही और मैं खसिया कर रह गई। वह इतनी निजी सवाल कैसे पूछ सकता है, खैर उसका तो कोई मुकाबला नहीं, पर क्या आप अपनी सहानुभूति जताना चाह रहे थे, मैंने प्यार से पूछा। शायद उसके मुस्कान दबाने की कोशिश पर यकीन ही नहीं कह सकते। नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा है तो हमें तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग पर काम करना होगा। ओह, मैंने उसे अहमकों की तरह घूरा और ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया हो। अब इस बात से उसका क्या मतलब है। खाओ एनेस्टेसिया, मेरी भूख फिर से दफा हो गई। सेक्स और सेक्स, जी हाँ प्लीज़, ये तो स्वादिष्ट है, वह बोला। मैंने भी आमलेट का एक चम्मच लिया पर उसका स्वाद नहीं ले सकी। बेसिक ट्रेनिंग, इसमें क्या क्या शामिल होगा। अपना होंठ काटना बंद करो, मेरा ध्यान भी उसी ओर जा रहा है और मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय तुमने मेरे टी शर्ट के सिवा कुछ नहीं पहन रखा है। मैं छोटे से बर्तन में चाय पी रही थी पर दिमाग गोल गोल चकरा रहा था। तुम्हारे दिमाग में किस तरह की बेसिक ट्रेनिंग है, मैंने पूछा। आवाज़ ज़रा तेज ही निकल गई और इस बात में अपनी दिलचस्पी ना दिखाने का इरादा वहीं चुकना चूर हो गया। हालांकि पूरे शरीर में हार्मोन तेज़ी से अपना असर दिखा रहे थे। जैसे कि साफ है कि तुम्हारा शरीर अभी थका हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हारे मुंह का कुछ कमाल देखे। मेरे गले में चाय अटक गई, आंखें चौड़ी हुई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने धीरे से पीठ सहलाई और हाथ में संतरे का रस थमा दिया। मैं कह नहीं सकती कि वह क्या सोच रहा है। क्या तुम ठहरना चाहोगी, उसने पूछा और मैंने खुद को संभालते हुए कहा। आज ही रुक सकती हूँ अगर तुम चाहो तो, मुझे कल काम पर जाना है। कल कितने बजे काम पर जाना है। 9 बजे, मैं तुम्हें कल 9 बजे वहाँ पहुँचा दूँगा, मैंने त्योरिया चढ़ाई। क्या वह मुझे आज रात भी यहीं रखना चाहता है, मुझे आज घर जाना होगा, साफ कपड़े नहीं हैं। हम यहीं से ले लेंगे, मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए फालतू पैसे नहीं। उसका हाथ आगे आया और मेरे चिब्बुक को खींचा जिससे होंठ दांतों की पकड़ से बाहर आ गई। मुझे तो पता नहीं था कि मैं अपने होंठ काट रही थी। ये क्या है, उसने पूछा। मुझे आज शाम घर जाना है, उसके चेहरे पर कड़ी रेखाएं उभर आई। अच्छा, आज शाम, पहले नाश्ता करो। मेरी सोच और पेट दोनों में ही उथल पुथल मची है। भूख तो पतली गली से जा चुकी है। मैंने अपने आधे बचे नाश्ते को देखा। मुझे सच में भूख नहीं है। एनेस्टेसिया, खाओ, तुमने कल रात कुछ भी नहीं खाया। तुम खाने को लेकर इतना मचमच क्यों करते हो, मैं फट पड़ी। उसने भवे सिकोड़ी। मैंने कहा था ना, मुझे जूठन बचाने से सख्त नफरत है। खाओ, उसकी गहरी काली आंखों में दर्द देखा जा सकता था। हाय, ये सब क्या है, मैंने काटा उठाया और धीरे धीरे खाने लगी। मुझे याद रखना होगा कि इसके सामने प्लेट में उतना ही खाना लिया जाए जितना उस समय पेट में उतारा जा सके। मैं नाश्ता करने लगी तो उसके चेहरे के भाव कोमल हो गए। मैंने देखा कि उसने अपने प्लेट साफ कर दी थी। उसने मेरे खाने का इंतज़ार किया और मेरी प्लेट भी धो दी। तुमने पकाया, बर्तन मैं साफ कर लूँगा, वाह बड़ा प्रजातंत्र है। जी, वैसे मैं अक्सर ऐसा नहीं करता। इसके बाद हम नहाने चले गए। ओह अच्छा, हाय, बल्कि नहाने का मन तो मेरा भी है। तभी कैट का फ़ोन आ गया। हाय, मैं उससे बड़े बालकनी की कांच वाली दीवार के पास चली गई। आयना, रात को मैसेज क्यों नहीं किया, वह गुस्से में है। सॉरी, मैं यहाँ उलझ गई थी। तू ठीक है ना। हाँ बढ़िया। क्या सच, कल रात, वह कोई जानकारी पाना चाहती थी। मैंने उसके सुर में छिपी उम्मीद को पहचान कर आँख मटकाई। कैट, मैं अभी बात नहीं कर सकती, क्रिस्टियन ने वहाँ से मुझे ताका। तुमने वह सब किया, मैं दावे से कह सकती हूँ। वह कैसे कह सकती है, शायद मुझसे खेल रही है और मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कागजों पर साइन जो कर दिए है। कैट प्लीज, सब कैसा रहा, तू ठीक तो है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। क्या उसने सख्ती बरती। केट चुप भी कर, मैं अपनी खींच नहीं दबा सकी। आ ना, मुझे मत बना, मैंने तेरे मुंह से यह सब सुनने के लिए पूरे 4 साल इंतज़ार किया है।
मैं शाम को मिलती हूँ, मैंने फ़ोन रख दिया। यह मामला बड़ा ही पेचीदा हो गया है, वह जाने बिना रहेगी नहीं और मैं उसे सब कुछ बता नहीं सकती क्योंकि मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अरे क्या कहते हैं उसे, NDA। मुझे उसे बहलाने के लिए पूरी योजना बनानी होगी। मुड़कर देखा तो वह बड़े ही आराम से अपनी रसोई में घूमते हुए सब कुछ समेट रहा था। NDA, उस NDA में क्या सब कुछ आता है, मैंने पूछ ही लिया। क्यों, वह मुड़ा और मुझे घूर कर बोला। मैं खिसिया गई। वह मेरे पास सेक्स से जुड़े कुछ सवाल है, मैंने अपनी उंगलियों को घूरा। ओह, मैं उन्हें कैट से पूछना चाहूँगी। तुम मुझसे पूछ सकती हो क्रिश्चियन, तुम्हारी सेवा में शवन्य निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे सुर भरा सा गया। मैं तुमसे नहीं पूछ सकती, तुम तो अपनी सोच के हिसाब से जो भी बताओगे वह तो सेक्स के विकृत रूप से ही जुड़ा होगा। मैं एक पक्षपात से परे सटीक उत्तर चाहती हूँ। बस यह तो सेक्स की बुनियादी जानकारी के बारे में तुम्हारे पीड़ादायी लाल कमरे के बारे में बात नहीं करूँगी, उसने भवे उठाई। पीड़ादायी लाल कमरा, एनेस्टेसिया, वह सब तो आनंद से संबंध रखता है, मेरा विश्वास करो। इसके अलावा तुम्हारी वहाँ सहेली पिछले 2 सप्ताह से मेरे भाई के साथ जैसे गुलछरे उड़ा रही है, उस हिसाब से तो तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हारा परिवार इन बातों के बारे में जानता है? नहीं, उसने उनको कोई लेना देना नहीं। क्या तुम क्या जानना चाहती हो, उसने अपनी उंगलियों से मेरी चिपबुक थामकर पीछे को धकेल दी ताकि मैं उसकी आंखों में सीधे देख सकूं। मैं अंदर ही अंदर सिकुड़ गई। मैं इस इंसान से झूठ नहीं बोल सकती, अभी तो कुछ खास नहीं, मैं हौले से बोली। अच्छा, तो हम शुरुआत के लिए पूछ सकते हैं कि कल रात तुम्हारे लिए कैसी रही? उसकी आंखों में गहरा कोतूहल भाव था, वह जानना चाहता है। वाव, अच्छी, मैं बुदबुदाई। उसके होठ हल्के से हिले। मुझे भी अच्छी लगी, मैंने आज से पहले कभी विनेला सेक्स नहीं किया। इसके लिए बहुत कुछ कहा गया, पर शायद ये सब इसलिए हो सका क्योंकि यह तुम्हारे साथ था। सने मेरे निचले होठ पर अपना उसने मेरे निचले होठ पर अपना अंगूठा फेरा। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। वनीला सेक्स, आओ चले नहाने चले। वह आगे झुका और होले से चूम लिया। मेरे दिल धड़का और अंदर ही अंदर एक चाह मचलने लगी। नहाने का बाथ टब सफ़ेद पत्थर का बना अंडकार डिजाइनर टब था। क्रिश्चियन उस पर झुका और नल खोलकर पानी से भर दिया। फिर उसने पानी में महंगा सा दिखने वाला बाथ ऑयल डाला। उसकी झाग बन गई और चारों तरफ जैस्मिन की महक फैल गई। वह खड़ा हुआ मुझे घूरता हुए अपनी टी शर्ट उतार कर नीचे फेंक दिया। मिसेस टेल, उसने हाथ बढ़ाया। मैं दरवाजे के पास खड़ी विस्फारित नेत्रों से यहाँ वहाँ ताक रही हूँ और दोनों बाजुओं से खुद को घेरा हुआ है। मैं उसके शरीर को, सुंदर गठन को मन ही मन सराहना करते हुए आगे बढ़ी। उसका हाथ थामा, उसने मुझे टब में आने का संकेत दिया। मैंने अब भी उसकी शर्ट पहन रखी है। मैंने वही किया जो कहा गया था। अगर उसके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना है तो उसकी बात मानने की आदत तो डालनी ही होगी, अगर वह मुझे गहरी नज़रों से देख रहा है। बेशक तुम्हारे होठ बहुत स्वादिष्ट है, पर क्या अब तुम्हें इन्हें काटना बंद करोगी? यह देखकर मेरा मन में कैसे ख्याल आते हैं, शायद मैं बता चुका हूँ। मैंने झट से होठ को दांतों की कैद से आज़ाद कर दिया। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं उस पर इतना असर डाल सकती हूँ। अच्छा, वह आगे बढ़ा और शर्ट की जेब से मेरा आईपॉड निकाल लिया। उसने सिंक के पास रख कर बोला, पानी और आईपॉड को बहुत अच्छा मेल नहीं है। कुछ ही देर में मैं उसके सामने निवस्त्र थी। वह मुझे घूरना शुरू किया और जी में आया कि मैं खुद को उस पानी की तहों में छिपा लूं, पर बेशक वह ऐसा नहीं करना चाहेगा। है एनेस्टेसिया, तुम बहुत ही सुंदर युवती हो, अपने आप में पूरी तरह से खूबसूरत। शर्मिंदा होकर अपना सिर मत झुकाओ, इसमें शर्मिंदा होने जैसा कोई बात नहीं है। सच इस तरह तुम्हें निहारने का भी अपना ही एक आनंद है। उसने मेरी चिपबुक को हाथों में थामा और सिर को इस तरह झुकाया कि मेरी पहुंच उसकी आंखों तक हो गई। वे कितनी कोमल और नरम है, बेशक जल रही है, वह मेरे कितने पास है, मैं उसे आगे होकर छू सकती थी। तुम अब बैठ सकती हो, उसने मेरी सोच को चितार दिया और मैंने उस गर्म गुनगुने पानी में पैर रखा। ओह, पहले पहल तो उसने मेरे शरीर में चुभन पैदा कर दी,
पर कुछ ही पलों में शरीर उस तापमान का आदी हो गया। कितनी भीनी और मीठी गंध आ रही है, दर्द भी जैसे कहीं खो गया है। मैंने पीठ के बल लेटकर पल भर के लिए आंखें मूंद ली और उस पानी को शरीर के पोर पोर को सहलाने की इजाज़त दे दी। जब मैंने आंखें खोली तो वह मुझे ही घूर रहा था। तुम क्यों नहीं आते, मैंने काफ़ी बहादुरी दिखाई, शायद मुझे भी आना चाहिए, चलो आगे खिसको। उसने अपने कपड़े उतारे और बाथटब में आ गया। मैं अपने पूरे शरीर पर उसके शरीर का भार और चुवन महसूस कर सकती थी। उसने गहरी सांस ली। एनेस्टेसिया, तुम्हारी गंध बड़ी मीठी है। मेरे पूरे शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। मैं और क्रिश्चियन दोनों एक ही बाथटब में निवस्त्र। कल जब मैं उसके होटल स्वीट में सोकर उठी, अगर उस समय किसी ने मुझसे यह बात कहे होती तो मैं बेशक उसका कभी यकीन नहीं करती। उसने वहाँ पड़ी सेल्फ से बॉडी वॉश लिया और दोनों हाथों में मलते हुए झाग से बना ली। फिर वह मेरे अंगों पर उसे मलते हुए मालिश सी करने लगा। उसकी लंबी उंगलियों का वह स्पर्श मुझे मदहोश कर देने के लिए काफ़ी था। तुम्हें अच्छा लगा, मैं उसकी मुस्कान को महसूस कर सकती थी। उसके हाथ मेरे बगलों तक आए और मुझे खुशी हुई कि मैंने केट के बारे बार बार कहने से वहाँ से बाल सेव कर लिए थे। अब मेरा पूरा शरीर बिना किसी वर्जना के उसके हाथों में था और मैंने उसे मनचाहा तरीके से खेलने को छूट दे दी। हर बीतते पल के साथ मेरी सांसें उथल हो रही थी। ये जानना भी कितना सुख दे रहा था कि मेरा शरीर उसे उत्तेजित करने की क्षमता रखता है। तभी भीतर बैठी सियानी लड़की कहराई, तेरा मन तो नहीं ना? मैंने उस सोच को उसी तरह झटक दिया। बड़ी देर तक यही खेल चला और मैं अंदर ही अंदर सुलगती रही। तभी उसने अपना हाथ खींच लिया। नहीं नहीं नहीं, मेरी सांस उखड़ रही है, तुमने हाथ क्यों रोक दिया? क्योंकि एनेस्टेसिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और योजनाएं हैं। क्या? ओह, पर मैं तो, ये तो इंसाफ नहीं है। मुड़ो, मुझे भी शरीर की सफाई की ज़रूरत है, मैंने उसकी ओर मुँह घुमाया। और उसने, वह चाहता था कि मैं उसके शरीर के उस अंगों को अपने हाथों से छूकर महसूस करूं, वही अंग जो उसके अनुसार उसके शरीर का सबसे प्रिय और आनंददायी था। मैं कुछ सोचकर मन ही मन मुस्कुराई और ठीक उसकी तरह अपने हाथों में साबुन लेकर झाग बना ली। फिर मेरे हाथ अपने कमाल दिखाने लगे और उसके अपनी आंखें बंद कर ली। तो अब मैं समझ पा रही थी कि वह मेरे मुँह का कौन सा कमाल देखना चाह रहा था। मैंने मुख मैथुन से उसे वही सुख दिया उसकी जिसकी उससे मुझसे शायद उम्मीद तक नहीं थी। ओह ऐना, तुमने मुझे इतना आनंद दिया, अब मेरा भी फर्ज बनता है बदले में तुम्हें भी वही सुख दूँ। अरे एक और बार, उसने बात तब से निकलकर बाहर कदम रखा तो उसके शरीर के दिव्य सौंदर्य से मुग्ध होकर मैं सांस तक लेना भूल गई। उसने एक छोटा सा तौलिया अपने कमर में बांध लिया, मेरे लिए एक बड़ा सा रोएदार सफ़ेद तौलिया ले लिया। मैं बाहर आई तो उसने मुझे तौलियों में लपेट लिया और अपने पास खींचकर चूम लिया। मैं उसे छूने को तरस रही थी पर मेरे बाजू तौलियों में लिपटी थी। मैं जल्द ही उसके चुंबन में खो गई। फिर उसने मुझे गहरी नज़रों से देखा और बोला, हाँ कहो, किस लिए? हामी दी और तुम हमारे रिश्ते के लिए तैयार हो? प्लीज़ ऐना, मेरी बन जाओ, वह हौले से बोला। फिर वह मुझे अपने सोने के कमरे में ले आया। उसने मुझे पलंग के पास खड़ा करके कहा, मेरा भरोसा करोगी? मैं अचानक सोचने लगी कि क्या मैं उस पर भरोसा रख सकती हूँ, अब वह मेरे साथ क्या करने जा रहा है। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। गुड गर्ल, उसने सांस लेते हुए मेरे निचले होठ पर अपना अंगूठा फिराया। अपनी अलमारी के पास गया और वहाँ से सिल्वर ग्रे रेशमी टाई ले आया। अपने दोनों हाथ आगे की ओर करते हुए एक साथ लाओ, उसने हुक्म दिया और मेरे तौलिया फर्श पर फेंक दिए। मैंने वही किया जो कहा गया। उसने मेरे दोनों कलाइयाँ उस टाई से बांध दी। फिर उसने नीचे जांघ, गांठ मजबूत थी, बेशक वह बॉय साउट रहा होगा। अब क्या, मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। उसने मेरी चोटियों पर अपनी उंगलियाँ चलाई। तुम इनमें बहुत छोटी दिखती हो, वह बोला और आगे बढ़ा। मुझे पीछे की ओर चलना पड़ा और मैं पलंग के छोर तक जा पहुंची। उसने तन पर भी अब तौलियाँ नहीं थी पर मेरे निगाहें उसके चारों चेहरे पर टिकी थी। उसके चेहरे से चाह झलक रही थी। ओह एनेस्टेसिया, मैं तेरा क्या करूं? वह बोला
मुझे पलंग पर लिटाकर साथ ही लेट गया। मेरे दोनों हाथ सिर के ऊपर कर दिए। अपने हाथ यहीं रखना और हिलना मत, समझी? ओह, मैंने तो कभी कल्पना तक नहीं की थी कि मेरे साथ। फिर उसने तय किया कि वह मुझे सिर से पांव तक चूमेगा। उसके चुंबनों के साथ साथ मेरा शरीर का रोम रोम जागता चला गया। मेरी त्वचा की संवेदनशीलता अचानक बढ़ गई। मैं भी उसे छूना चाहती थी, पर मेरे हाथ बंधे थे। मैंने हिलना चाहा तो वह बोला, हिलो मत, तुम हिलोगी तो मुझे ये सब फिर से शुरू करना होगा। पर मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, पर तुम हाथ अपने सिर के ऊपर रखो। शरीर में चुंबनों की सनसनाहट से गहरी और तीखी चाह जाग गई। उसने अपना वादा पूरा किया और मैंने भी पहली बार मुख मैथुन का आनंद पाया। मैं उससे आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। फिर उसने हाथ की ओर बढ़े और हम जुनून से भरी उन गलियों से होकर लौट आए। देखो, हम दोनों का साथ कितना अच्छा है, वह हौले से बोला। अगर तुम खुद को मुझे सौंप दो तो यकीन करो यह सब और भी बेहतर होगा। एनेस्टेसिया, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे जगह ले जा सकता हूँ जिनके बारे में तुम सोचे तक नहीं होगी। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। उसने अपनी नाक मेरी नाक से टकराई। मैं अब भी उत्तेजना से कांप रही हूँ। अचानक हम दोनों ही हॉल से आती आवाज़ें से चौंक गए। हमें सब कुछ सुनकर समझने में कुछ पल लगे, पर अगर वह इस समय भी बिस्तर में है तो इसका मतलब है कि वह बीमार है। वह तो इस समय तक कभी नहीं लेटता। क्रिस्टियन को देर तक सोने की आदत नहीं है। मिसेज ग्रे, प्लीज टेलर, तुम मुझे मेरे ही बेटे से दूर नहीं रख सकते। मिसेज ग्रे, वे अकेले नहीं हैं। इस बात से क्या मतलब है कि वे अकेले नहीं हैं? उनके साथ कोई है? ओह, यहाँ तक कि मुझे भी उस आवाज़ में छिपा अविश्वसनीय सुन गया। क्रिस्टियन ने तेज़ी से पलकें झपकाई और मुझे हास्य मिश्रित भय के साथ देखकर बोला, हो गया कबाड़ा, ये तो मॉम आई है।